स्वागत है। आज हम बनाएंगे भिंडी। हमने 1 किलो भिंडी ली है, उसमें डाली है हरी मिर्ची, काट के अंदर ही डाल दी, ठीक है। और लिए 4-5 प्याज, ये देखो ऐसे पीसीस में काट दिए, और 3-4 लिए हैं टमाटर, ठीक है। उनको काटेंगे, काटने के बाद फिर आपको दिखाएंगे मैं भिंडी कैसे बनाती हूँ। मैं बताती हूँ भिंडी में क्या क्या डलता है, और मतलब कैसे करारी कुरकुरी भिंडी कैसे बनाती है, ठीक है। उसके लिए हमने ली 4-5 प्याज ऐसी कटिंग की, और 3-4 लिए टमाटर, ठीक है। भिंडी और हरी मिर्ची, मिर्ची इसी में ही काट दी, ठीक है। ये है मसाले, हल्दी, लाल मिर्ची, नमक, सब ये पिसा हुआ धनिया है, ये अमचूर पाउडर, और ये गर्म मसाला, ये जीरा, ठीक है। सरसों का तेल, ये सरसों का तेल आप रिफाइंड में बना सकते हो, पर सरसों के तेल में भिंडी अच्छी बनती है, टेस्टी, ठीक है। हमने गैस स्टार्ट की, सबसे पहले गैस चला के हमें कढ़ाई का पानी है जो ये बिल्कुल सुखाना है, ठीक है। अगर हम ऐसे ही तेल डाल देंगे तो ये पानी में फिर तेल डाल के ऐसे आवाज करेगा, ठीक है, इसे सूख जाएगा, फिर हम इसमें तेल डालेंगे सरसों का, ये सूख गए थे ये, अब हम इसमें डालते हैं। आईडी से डाल दो 1 चम्मच 1.5 चम्मच भिंडी, जिससे हमारी प्याज अच्छी तरह भून जाए, ठीक है। और तब तक इस तेल को तब तक गर्म करें तब तक हल्का हल्का धुआं ना निकलने लगे, हमारा अच्छी तरह तेज हो जाएगा ना तेल गरम, अच्छी तरह हो जाएगा तब सरसों के तेल की महक भी नहीं आएगी। तेल गरम हो गया, इसे पहचानने के लिए हम एक जीरे का ऐसे लो डालना, और ऐसे डालो, अगर वो चटक के ऊपर आए तो समझो हमारा तेल गरम है, अभी हुआ नहीं, होने दो, तब हम जीरा डाल देंगे। डालते इसमें 1/2 चम्मच जीरा, डालने के बाद हम डालेंगे इसमें, जब हमारा जीरा भून जाएगा तब हम डालेंगे इसमें प्याज, ठीक है, हल्का सा ब्राउन हो जाए हमारा जीरा। हमारा हो गया जीरा, देखो ब्राउन हो गया हल्का हल्का, फिर हम इसमें डालते हैं प्याज, प्याज डालने, प्याज डालने के बाद इसको हल्का हल्के हाथ से चलाएंगे, जिससे सारी प्याज में तेल हो जाए, ठीक है। हमारी इसमें प्याज भून ले लो, अब ये 2-3 मिनट प्याज हमारी भुनेगी, ठीक है। दोस्तों आप बताइए, मैं अलग आपको जैसे मैं वीडियो बनाती रहती हूँ घर की खाने की, आपको क्या बना के दिखाऊं, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, जो आप मुझे बोलोगे मैं वही बना के आपको दिखाऊंगी। हमारी प्याज ब्राउन होगी हल्की हल्की, ठीक है। अब इसमें हम टमाटर डालते हैं, टमाटर डालें, टमाटर डालने के बाद हम इसमें हल्का सा नमक डालेंगे पहले, जिससे हमारे टमाटर और प्याज अच्छी तरह सोफ हो जाएंगे, गल जाएंगे, मतलब इसे पकने में भी जल्दी आसानी रहेगी टमाटर हमारे। अब हमने टमाटर और प्याज इसमें डाल दिए, भुनेंगे हम इन्हें अच्छी तरह, तब तक टमाटर और प्याज का तेल अलग नहीं हो जाता ना, तब हम इसमें अभी मसाले नहीं डालेंगे, इसलिए हम सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे, ठीक है।
हमारे टमाटर और प्याज में ये देखो तेज और क्या तेज अलग, ठीक है। इसमें हम मसाले डालेंगे, यानी हल्की सी मिर्ची, हमने हरी मिर्ची भी डाली इसलिए हम थोड़ी मिर्ची डालेंगे, ठीक है। फिर हल्दी, ये हमारे घर की पिसी हुई हल्दी है जो मैं यूज करती हूँ, ठीक है। ये नमक कुछ पहले हमने डाल दिया था, थोड़ा ही डाल देंगे। ये है धनिया पाउडर, और मैंने ये भिंडी गोल काटी है। आप अगर मतलब बनाना चाहते हो तो लंबी भी बना सकते हो, भिंडी लंबी भी काट के उन्हें बना सकते हो। जैसे सभी भिंडी बनाते हैं वही मैं भी बनाती हूँ। बोलते हैं बहुत से भाई हम भिंडी बनाते हैं तो हमारी भिंडी ऐसे तार सा छोड़ती है, ठीक है। जैसे हमने मसाला डाला है, मसाला हमारा भूनता है, इसे भूनने के बाद फिर हम इसमें भिंडी डालते हैं। जब हमारी भिंडी गलने लगे, हल्की हल्की सी गलने लगे, तो उसमें नींबू डालो या फिर डालो दही या लस्सी जो भी आपके घर में हो वो डालो। फिर उससे भिंडी ना तो चिपकेगी ना तार सा छोड़ेगी, वो अलग अलग हो जाएगी, खिली खिली सी भिंडी बनेगी एकदम, जो देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी अच्छी लगेगी। जिसको ज़्यादा तेल पसंद है वो ज़्यादा तेल डाल सकता है, जिसको कम पसंद है कम डाल सकता है, मैंने तो कम डाला है। क्यों, भिंडी में पानी नहीं डालता भाई, तेल नहीं बनती है बिना पानी के, पानी तो डालते नहीं ना भिंडी में, इसलिए जिसको जैसी पसंद है वो वैसी बना सकता है। अब हमने भिंडी चला दी है, ठीक है। अभी से हम धीमी आँच करके 5-7 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, कर दो गैस, ठीक है। और किसी सिम करके इसे ढक के रखो, फिर 5-7 मिनट बाद फिर चला के देखेंगे हमारी भिंडी अगर तैयार होगी तो, ठीक है। बीच बीच में चलाते रहो। अब इसमें हम डालते हैं दही, 2-3 चम्मच डाल दो, ठीक है। 2-3 चम्मच डाली, उसके बाद डालने के बाद हम चला देते हैं। तैयार है, आप टेस्ट करके बताइए भाई आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। थैंक यू।